महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में मंगलवार की शाम 6 बजे से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सम्मान समारोह और प्रीति भोज का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंदिर की मानी जाने वाली गोरखपुर संसदीय सीट जीतकर वापस बीजेपी के खाते में लाने में अहम मायने है। इस सीट को जीतना न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बना रहा। ऐसे में इस सीट पर विजय श्री का डंका बजाने वाले सांसद रवि किशन के जज्बे और मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। उसी तरह से क्षेत्रीय स्तर से लेकर बूथ कार्यकर्ताओं ने इस सीट का खुद की प्रतिष्ठा का विषय बनाया। क्षेत्र से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के समर्पण और मेहनत का ही परिणाम है। यही वजह है कि जीत का सेहरा बांधने वाले बूथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी ने बूथ जीता तो चुनाव जीता का नारा दिया था। उस मंशा के अनुरूप परिणाम देखने को मिला। एक बार फिर अपने सम्मान को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। बूथ कार्यकर्ताओं के बीच सबसे अधिक वोट दिलाने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इस सम्मान समारोह में गोरखपुर के नवनिर्वाचित सांसद रवि किशन सहित गोरखपुर ग्रामीण विधायक विभिन्न सिंह, नगर विधायक राधामोहन दास अग्रवाल, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री पीके मल, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित बड़ी संख्या में बीजेपी व हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रगति के रास्ते में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी से, इस संपूर्ण कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे गौरववाचित अध्यक्ष नव निर्वाचित सांसद सम्मानित श्री रवि किशन जी आ रहे हैं, उनके आने के साथ साथ अपने इस अभूतपूर्व विजय के लिए आप खड़े होकर के दोनों हाथियों से तालियां बजाएंगे और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। बंधुओं, हम सबके बीच में पूज्य महाराज जी का आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। महाराज जी का आगमन मंच पर हो चुका है। आप सबसे आग्रह है कि एक बार अपने साथ पर खड़े होकर के कर्तव्य धर्म से पुत्र महाराज जी का आप सभी लोग स्वागत करें। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ गोरखपुर विधानसभा के, शहर विधानसभा के उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने बड़े मने भाव से कहा। नगर विधायक दमाला से स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं क्षेत्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माल्यार्पण के जी से आवे और संक्षेप में अपनी बात रखने की कृपा करें आदरणीय विपिन सिंह। गोरखपुर के नवनिर्वाचित माननीय सांसद रवि किशन जी, नगर विधायक आदरणीय डॉक्टर राधा से आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु साथियों, आप लोगों की मेहनत परंपरागत सीट रही है, पुत्र महाराज जी के चरणों में समर्पित किया है आप लोगों ने, आप लोग बधाई के पात्र हैं। मित्रों, बहुत अच्छा अंतर रहा और साथियों, जिस तरह से सपा बसपा का नापाक गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में बना था, पूज्य महाराज जी ने दिखा दिया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया कि उनकी कोई पिसात नहीं, 64 सीट जीते हैं। मित्रों, साथ गठबंधन नहीं होता उन लोगों का तो 80 सीट उत्तर प्रदेश से पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में मोदी जी के लिए जाती। साथियों, समय कम है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, अपनी वाणी को प्रणाम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य महाराज जी। आग्रह है तो आवे और संक्षेप में अपनी बात रखने की कृपा करें माननीय विधायक जी। आपको मुख्यमंत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ है,
हम वो आशीर्वाद आपके माध्यम से चाहते हैं जो यहाँ का नौजवान बेरोजगार है ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार मिले, सम्मान मिले, और वही आशीर्वाद के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने जान लगा दिया इस चुनाव में, आपने आशीर्वाद इतना दिया रवि किशन जी को और महाराज जी को कि आपके आशीर्वाद का जो ऋण है हम सबको मिलकर उतारना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। महाराज जी ने कम समय में पूरे देश का भ्रमण किया कि सारे गठबंधन उसी चक्रव्यूह में फंस कर आ गए और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी हुई। जनता पार्टी के रणनीति है हमारे जोगे जी महाराज की रणनीति है, हमारे मोदी जी की रणनीति है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के देखा होगा। यहाँ पर जब आयोजन हो रहा था यात्रा का लोग घबराए हुए थे, हमने सभी व्यापारियों का आह्वान किया और कोई ऐसा हमने सादर अनुरोध करता हूँ अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी से, प्रदेश के उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला जी से और मेयर सीताराम जायसवाल जी से कि एक बड़ा माला बना करके पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने किशन जी से कि आवे और अपनी बात रखने की कृपा करें। आदरणीय रवि किशन जी, भगवान करे सबके मिले ऐसा भगवान कृष्ण रूप में हमके भेटेलन, मारे पूरा महागठबंधन के हम ध्वस्त कर दिए। कितना भाग्यशाली है वो हम है कि भेटेलन तो के भेटाइल हमके पूज्य महाराज जी भेटेलन, बुद्धि देलस हमके तो के देलस पूज्य महाराज जी देलन। आज तक जीवन में केहू हमार हाथ ना पकड़ ले रहे, ना केहू हमारे कपारे पे हाथ रख ले रहे। महाराज जी हम कबो ना चुका पाए जो ना आप हमरा खातिर कैले। महाराज जी इतना बढ़िया लगल जब प्रधानमंत्री हमारे देश के दो दिन पहले पार्लियामेंट में हमके बधाई देलन, महाराज जी रहलन, लेकिन महाराज जी के पास हम जा ना पाए, बहुत भीड़ हो गई है। फिर हम भोजन खात है वह पीछे पार्लियामेंट के पीछे भोज रहा है, तो भोजन के टाइम अचानक प्रधानमंत्री जी अलन पिछुआ से, हमार प्लेट रहे तो हमार प्लेट ऐसे कांपे लगा उनके देख के, हमरे प्लेट में तकना, हम बोले हम शाकाहारी है महाराज जी प्रधानमंत्री जी। फिर हम बोले आज भाषण बड़ा अद्भुत था आपका, तो बोले बस सीखो और बढ़ो। ये मौका ये भाग्य कैसे मिलल हो, कैसे हमरे जैसे लड़का जो हार गए रहा जौनपुर में, पूज्य महाराज जी का रणनीति और आशीर्वाद और जान झोंक देलन, ये जीत, ये ऐतिहासिक जीत पूज्य महाराज जी के वजह से और रुआ लोगन के ताकत के वजह से भई हुआ। हम गोरखपुर की जनता के गोर छू के प्रणाम करब, रुआ लोगन सबको गोर छू के प्रणाम करब। भैया हो आप लोग जान झोंक दी, ताकत लगा देला, हम तो खटे लेकिन के खटवेले हमके, हम तो दौड़े, महाराज जी बोलना जा यहां फेंक दो, हम अर्जुन नियम गए वो जगह भेज दिए, महाराज जी बोले इस इलाका में भेजो, वर गए तीर हर मारे, ये बोले दिन रात खटो, हम दिन रात खटे। महाराज जी का फोन आ जाता रहे तो समझ जाएगी निदवा में हम चले, निदे में दौड़ा दे इधर भैया, अभी भी हमारा पूरा बदन पीरा था, करिया गए रहे थोड़ा सा भाई, दो दिन दिल्ली में रहे तो थोड़ा सा कलर बदलल, लेकिन जो ऐतिहासिक जीत भइल
तो उसके लिए मैं आप सब लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। जितने मेरे कार्यकर्ता हैं हिंदू युवा वाहिनी के, भारतीय जनता पार्टी के, मैं आप लोगों को नमन करता हूँ। मैं आप लोगों ने जो जान लगाई, जो सम्मान महाराज जी का लौटाया, और मंदिर के सीट जब हम चिल्लाते हैं मंदिर के सीट, मंदिर में वापस जाई और मंदिर में भैया हो चल गई हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और भैया हम रोजगार पे आ जाएं, अब सांसद हम महाराज जी बना देलन, गोरखपुर बना देलन, रोजगार मिली और बहुत रोजगार मिली। हम पूरा फिल्म सिटी का प्लान लेके आ रहे, महाराज जी जैसे शपथ ले ले, हम पूरा बड़ा फास्ट काम किए, कहे कि महाराज जी बहुत फास्ट काम कर रहे, तो हम थोड़ा लेकिन पूरा तैयार बा। महाराज जी थोड़ा फ्री हो जाइए, हम पूरा एक खांचा तैयार कर ली। और एक बात बताएं भैया, हजारों लोगों के रोजगार मिली, लेकिन कला और विकास का संगम महाराज जी बोले हैं वो रहेगा, और हजारों लड़के अनगिनत रवि किशन इस गोरखपुर की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से निकलेंगे, अनगिनत रवि किशन। और ये मेरी जिम्मेदारी है, सेवक बन के आया हूं, पूरा सेवा करूंगा। और मंचा सिंह सब लोगन के, हमारे सारे पांचों विधायक जी लोगन के धन्यवाद, मंत्री जी के धन्यवाद, सूर्य प्रताप जी के, और जितने भी मेरे सीनियर लीडर हैं, मैं सबका नाम इस वक्त, क्योंकि इस समय आप लोगों का सम्मान भी करना है महाराज जी को, सबके हाथ जोड़ के हम प्रणाम करब और सब लोगों का आशीर्वाद हमके भेटाई। सबने मुझे जो, और जिसने भी काम किया वो आखिरी श्रेणी में बैठा है, जिसने मेहनत की, जो सामने कभी नहीं आया, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। फेसबुक पे बहुत लोग मदद किए, उन लोगों के भी धन्यवाद, व्हाट्सएप पे जो मदद किए, इंस्टाग्राम पे मदद किए, पूरे देश में मदद किए, और विदेशों से जो हम लोगों को मदद आई, गोरखपुर के बहुत लोग बैंकॉक में है, थाईलैंड में है, लंदन में है, यूरोप में है, उन लोगों ने भी वहां से जो फेसबुक व्हाट्सएप पे एक मुहिम छोड़ा, बहुत लोग फॉरेन कंट्री से आए वोट करने के लिए, मैं सब लोगों को धन्यवाद दूंगा। जितने लोगों ने इस मुहिम में, इस लड़ाई में साथ दिया, मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मैं मोदी जी के लिए यही कहूंगा कि भैया हो, मोदी जी आ गई ना हो, हमारे नया भारत का जो शक्ति बा ओकर शुरुआत हो गई और पूरा सपना हो गई पूरा। बहुत जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, पूज्य योगी महाराज की जय, भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा 98.2% मत भारतीय जनता पार्टी को दिलाने में सफल रहा। श्री अजय चौरसिया जी और श्री हृदय चौरसिया जी के प्रमुख पर आए और पूज्य महाराज जी से सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद पूर्णचंद चौहान जी और श्री चुनीलाल शर्मा जी, प्राथमिक विद्यालय रतन सिंह और श्री सुजीत शर्मा जी, बूथ नंबर 347 प्राथमिक विद्यालय खजवा, श्री अशोक चौरसिया और श्री रामनयन चौरसिया, बूथ नंबर 364 रुपुर माध्यमिक विद्यालय पिपराइज, श्री सुनील गुप्ता जी और दिनेश गुप्ता जी। इसके बाद कैंपियरगंज विधानसभा बूथ नंबर 223 जूनियर हाई स्कूल साहबगंज, श्री सुरेंद्र अग्रहारी जी और दीनदयाल सैनी जी। बूथ नंबर 176 प्राथमिक विद्यालय नेतवर, श्री दयानिधि पांडे जी, श्री विपिन राय जी। बूथ नंबर 1 प्राथमिक विद्यालय मराठा, श्री रघुराज प्रताप सिंह जी, श्री कृष्णमोहन सिंह जी। बूथ नंबर 328 प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया, श्री तुंगनाथ सिंह जी, श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। बूथ नंबर 305 प्राथमिक विद्यालय भरोइया, श्री नंदलाल शर्मा जी और श्री गोपीनाथ जी।
विधानसभा, बूथ नंबर 199 श्री मुकेश जी और श्री जय किशन जी, बूथ नंबर 249 श्री लाजपत चौधरी जी, श्री मनोज त्रिपाठी जी, बूथ नंबर 247 प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ श्री उमेश पांडे जी, श्री अमित श्रीवास्तव जी, बूथ नंबर 278 पूर्व माध्यमिक विद्यालय हजारीपुर श्री पिंटू सिंह जी, श्री ब्रिजमोहन जी, बूथ नंबर 283 राम नारायण कन्या इंटर कॉलेज श्री कमलेश गुप्ता जी, श्री संजय गुप्ता जी, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा बूथ नंबर 326 प्राथमिक विद्यालय जंगल तिकोनिया नंबर 3 श्री राम गणेश जी और श्री राजू निषाद जी, बूथ नंबर 61 सरस्वती विद्या मंदिर आर्य नगर श्री अजय कुमार जैन और राजा जैन और श्री निशांत अग्रवाल जी, बूथ नंबर 166 स्वेटन स्कूल मिर्जापुर श्री राहुल जी और श्री विवेक शर्मा सूर्या जी, बूथ नंबर 155 संस्कृत पाठशाला तुर्कमानपुर श्री सीताराम कनौजिया जी, श्री सुधीर रावत जी, बूथ नंबर 17 संत रविदास विद्या मंदिर माधोपुर श्री रमेश भार्गव श्री विजय ठाकुर जी, साजनवा विधानसभा बूथ नंबर 295 पंडित जवाहरलाल इंटर कॉलेज जैतपुर श्री हरिनारायण हरिचरण गुप्ता जी, श्री रमाशंकर तिवारी जी, बूथ नंबर 39 प्राथमिक विद्यालय डुमरी श्री इंद्रपाल राज जी, श्री ध्रुव गौड़ जी, बूथ नंबर 347 कस्बा संग्रामपुर श्री रंजय त्रिपाठी जी, श्री चंद्रकेश गौड़ जी, बूथ नंबर 294 पंडित जवाहरलाल इंटर कॉलेज जैतपुर श्री धर्मला राज गौड़ जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, बूथ नंबर 219 साजनवा विधानसभा क्षेत्र में पांचवें स्थान पर दो बूथ हैं, 219 और 267 प्राथमिक विद्यालय कटिया से श्री क्षेत्र के कोषाध्यक्ष पुष्पधन जैन जी और क्षेत्र के मंत्री प्रदीप शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करता हूं, पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करें और तालियों के साथ कट्टर पंथ की तालियों के साथ जिनके नेतृत्व में 64 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं उनका पूज्य महाराज जी का अभिनंदन और स्वागत, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य महाराज जी का अभिनंदन और स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी का है सपा और बसपा के गठबंधन को धाराशाही किया है, ऐसे पूज्य महाराज जी से आग्रह है कि अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करने और हर विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवपेंद्र दत्त शुक्ल जी, प्रदेश मंत्री श्री कामेश्वर सिंह जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी, लोकसभा के प्रभारी श्री बेचन राम जी, लोकसभा के संयोजक श्री रामजीवन मौर्य जी, हिंदी वाहिनी के प्रदेश के महामंत्री श्री इंजीनियर पी के मल जी, महापौर सीताराम जायसवाल जी,
मान्य विधायक गण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे जी, पुष्पतंत्र जैन जी, विभाड चंद कौशिक जी, अश्वनी त्रिपाठी जी, रमाकांत निषाद जी, राधेश्याम सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, विजय शंकर यादव जी, ब्रजेश यादव जी, जवाहर कशोधन जी, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के सभी उपस्थित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से गोरखपुर के नव निर्वाचित सांसद श्री रवि किशन जी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ आप सब कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने इस देश के अंदर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें अब गोरखपुर का हर नागरिक इस बात को कह सकता है कि हमारा भी योगदान है। इस दृष्टि से जो मेहनत की है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर में जीत स्वाभाविक रूप से थी। गोरखपुर का जो अभूतपूर्व विकास 2016 से प्रारंभ हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनने के बाद उसको जो एक नई गति दी गई, उस गति का परिणाम हम सबके सामने है। आज गोरखपुर में मैं देख के ताजुब कर रहा था, विधायक कंपियरगंज कहते हैं रोजगार, ये फर्टिलाइजर का रोजगार का साधन नहीं है क्या? पिपराइच में चीनी मिल क्या रोजगार और नौकरी का साधन नहीं है क्या? एम्स में जो नौकरियां आएंगी क्या नौकरी और रोजगार के साधन नहीं है क्या? ये बुद्धि की कमी है और विवेक का अभाव है। और मुझे लगता है कि जब व्यक्ति बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करता है तो इस प्रकार की बातों को करके अनावश्यक रूप से अपने उपलब्धियों पे पानी फेरने का कार्य करता है। हम सब ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर कार्य किया, उसने जातिवाद की, परिवारवाद की और आजादी के बाद से देश के अंदर तुष्टीकरण के नाम पर इस देश की जनता को छलने वाली राजनीति को पूरी तरह बेनकाब किया है। और मुझे लगता है कि देश के अंदर विकास और राष्ट्रवाद की जिस नई नींव को मोदी जी ने सुदृढ़ किया है, उसको आगे बढ़ा करके जब हम सब मिलकर के आगे चलेंगे तो उसी में न केवल इस देश का हित है अभी तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दुनिया के अंदर अगर भारत का सम्मान बढ़ता है तो क्या हम लोगों का सम्मान नहीं बढ़ता है क्या? पूरी दुनिया के अंदर अगर आज देश का सम्मान बढ़ रहा है तो मान के चलना चाहिए भारत की 130 करोड़ की आबादी का सम्मान बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर अगर भारत एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच रहा है तो भारत की 130 करोड़ की आबादी का सम्मान उसके साथ बढ़ता है। भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत होती है तो हम सब की सुरक्षा मजबूत होती है, हम सब का सम्मान उससे बढ़ता है। और अगर देश के अंदर विकास कहीं भी प्रारंभ होता है तो विकास के उस कार्यक्रम के साथ हमारा सकारात्मक सहयोग अगर जुड़ जाता है तो मान करके चलिए कि विकास की इस प्रक्रिया को जिस मजबूती के साथ विगत 5 वर्ष में मोदी जी ने देश के अंदर बढ़ाया है, ये प्रक्रियाएं जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, इसने देश के अंदर आम जन के मन में एक विश्वास पैदा किया है, एक विश्वास कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का वर्तमान और इस देश का भविष्य सुरक्षित है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में
फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक नए भारत के निर्माण की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको कार्य करना है, इस बात का विश्वास पूरे देश के अंदर देखने को मिला। और इसलिए चुनाव के दौरान मैं अंतिम समय में गोरखपुर में आया। चुनाव की प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू हो चुकी थी, 11-12 मार्च से शुरू हो गई थी, और मैंने गोरखपुर में चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ किया 24 अप्रैल से। 24 अप्रैल को मैंने प्रमुख लगभग 150-200 कार्यकर्ताओं की एक बैठक पहले ली। फिर मैंने आप सभी कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम दिया और मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि मैंने जो भी कार्यक्रम आप सभी कार्यकर्ताओं के सामने रखे अक्सर से उसका पालन आप लोगों ने किया, जिसका परिणाम था कि गोरखपुर संसदीय सीट पर 3 लाख से अधिक वोटों की बढ़त करके आपने फिर से इस बात को साबित किया कि गोरखपुर की जनता विकास और राष्ट्रवाद के साथ सदैव खड़ी रहेगी, उसको जातिवाद या किसी भी प्रकार की तुष्टिकरण की नीति उसे अपने पक्ष से विचलित नहीं कर सकती है। एक बड़ा कार्य है, एक बड़ा अभियान है, देश के हित में चलाया जाना जाने वाला अभियान। और आपने देखा होगा जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर यह अभियान चला है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर के सुदूर दक्षिण तक, कर्नाटक तक आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का यह भगवा झंडा लहरा रहा है। इसके पीछे विकास और देश की सुरक्षा की जो सुदृढ़ नींव मोदी जी ने देश के अंदर रखी है, उसके प्रति आम जन ने भी उन सभी राजनीतिक विश्लेषकों के उन सभी कवायतों को एक सिरे से खारिज करके दिखा दिया। कहा कि अगर कार्य कोई करेगा तो उसका परिणाम भी उसके सामने आएगा। केवल भाषणबाजी से अब काम नहीं चलने वाला है, केवल मुंह दिखाने से काम नहीं चलने वाला है। जो आजादी के बाद से देश के अंदर तुष्टिकरण और झूठे नारेबाजी चल रही थी, झूठे वादे किए जाते थे, अब उसका दौर समाप्त हुआ। हमें इस देश के अंदर विकास भी करना होगा और इस देश के अंदर आम जन के उन भावनाओं को समझते हुए जिन भावनाओं के माध्यम से हम एक एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा का कार्य भी आगे बढ़ा सकें और साथ साथ गरीबों तक बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ भी पहुंचा सके। आप इस बारे में जानते हैं कि हम लोगों ने जितनी भी योजनाएं दी, किसी के साथ 5 वर्ष में कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किसी के साथ नहीं किया, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। इस देश के अंदर चलने वाली राजनीति को एक नई दिशा देने का कार्य हुआ है और उस कार्य को आगे बढ़ाने की परिणति है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी स्वयं 303 सीट पा रही है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरे देश के अंदर 350 से अधिक सीटों पर विजयी होता है। यह सारी चीजें इस बात को प्रमाणित करती है कि जो लोग इस बात को मानते थे कि विकास और देश की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं, उनके सभी दलीलों को देश की जागरूक मतदाताओं ने खारिज किया है। और गोरखपुर के अंदर भी गोरखपुर के मतदाताओं ने साबित किया है कि अगर विकास होगा तो गोरखपुर का मतदाता उसके साथ हर स्तर पर खड़ा होगा। और मैंने चुनाव के दौरान इस कार्य को देखा है। पहली बार में देखा जब मैं 7 बजे मतदान करने के लिए गया था तो कई मतदान केंद्रों से मेरे पास जो फोन आ रहे थे इस बात को आ रहे थे कि पहले से ही लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगा दी हैं मतदान करने के लिए। पहली बार गोरखपुर के अंदर इस प्रकार का उत्साह मैं देख रहा था और सबके मन में एक भाव था, अगर कोई व्यक्ति कहीं भी था अपने कार्यक्रम को कैंसिल करा करके वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले गोरखपुर में आ गया था। कोई अपने घर में रह रहा था, कोई धर्मशाला में रह रहा था, कोई होटल में रह रहा था, लेकिन उसने अपने इस दायित्व को निभाया कि लोकतंत्र के प्रति हमारा कुछ दायित्व बनता है और इस दायित्व का निर्वहन हम लोग ईमानदारी के साथ करेंगे। और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हर गोरखपुरवासी, हर उत्तर प्रदेश वासी, हर भारतवासी इस बार जिस तत्परता के साथ लोकतंत्र के इस पर्व को मजबूती प्रदान करने के लिए दिखाई दे रहा था, वह अपने आप में एक अद्भुत था। अब मिलकर के इस अभियान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कार्रवाई। स्वाभाविक रूप से चुनाव के दौरान मैं हर मतदाता के पास नहीं पहुंचा,
विधायकगण हर मतदाता के पास नहीं पहुंचे होंगे, सांसद श्री रवि किशन जी हर मतदाता के पास नहीं पहुंचे होंगे, उनके पास पहुंचने के लिए पहले भी आप माध्यम थे और अब भी आप ही को माध्यम बनना होगा। आपने जो उनके बीच में कहा है शासन की योजनाओं को उसी ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने की उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और जो विधानसभा स्तर पर हम लोगों ने टीम गठित की थी वह टीम उसकी मॉनिटरिंग करे, समय समय पर इन कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, एक संवाद बनाए, एक सक्रियता बनाए, आम मतदाता तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कार्रवाई करे और साथ साथ विकास के बड़े प्रोजेक्ट भी जो चालू हैं समयबद्ध ढंग से पूरे हों, जो आवश्यकता है उसके बारे में नए सिरे से प्रक्रिया प्रारंभ हो और जहां पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ाना प्रारंभ करेंगे, मुझे लगता है आज के दिन पर पूरे देश के अंदर विकास के नाम पर कोई व्यक्ति झूठे वायदे नहीं कर सकता। जो कहेगा उतना करके दिखाएगा और जो करेगा उसके ठोस परिणाम भी जनता के सामने उस रूप में देखने को मिलेंगे। एक अवसर है एक नए भारत को बनाने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, एक नया भारत, एक ऐसा भारत जिस भारत में किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, एक ऐसा भारत जिसमें स्वतः स्फूर्त भाव के साथ यहां की व्यवस्था चलती भी दिखाई दे, एक ऐसा भारत जहां गंदगी के लिए कोई जगह न हो, जहां अव्यवस्था के लिए कोई जगह न हो, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न हो, जहां पर किसी भी प्रकार की शासन की योजनाओं में किसी भी दलाल को, किसी भी एजेंट को कहीं भी सेंध लगाने का अवसर प्राप्त न हो। और ये तभी संभव है जब आम जन जागरूक हो और आम जन को जागरूक करने में कार्यकर्ता भाइयों बहनों आप सबकी बड़ी भूमिका हो सकती है और उस भूमिका का निर्वहन करने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आपने मेरे साथ में बहुत लंबे समय तक कार्य किया है, गोरखपुर संसदीय सीट में एक एक गांव में न्याय पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर या फिर विधानसभा स्तर पर, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर, मंडल स्तर पर या नगर और या महानगर स्तर पर उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। लेकिन विकास के लिए एक सकारात्मक सोच चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण को जो हुआ है उसको लेकर के जनता के पास जाएंगे, जो नहीं हुआ है इंतजार करने के लिए समय आने पर उस व्यक्ति को उसका हक दिलाने की कार्रवाई हमारे स्तर पर होनी चाहिए। अक्सर होता क्या है, जिसको मिल जाता है हम उसके बारे में नहीं बोलते, जिसको नहीं मिलता है हम उसके बारे में चिल्लाने लगते हैं। हम लोग अगर जिसको मिल गया है उसके बारे में प्रचार करें और जिसको नहीं मिला उसको बोलो इंतजार करो, आपको भी अवश्य मिलेगा, जैसे इस व्यक्ति को मिला है ऐसे ही आपको भी मिलेगा। अगर ये भाव हम उसके अंदर विश्वास पैदा कर देंगे तो वह भी पूरी तत्परता के साथ अपने इंतजार करने, अपनी पारी का इंतजार करेगा और इंतजार करने पर ईमानदारी के साथ उस योजना का लाभ भी प्राप्त कर पाएगा। आज एक अवसर है हमारे पास जब हम गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा के 5-5 उन बूथ के 2-2 कार्यकर्ताओं को इस मंच के माध्यम से सम्मानित कर पाएंगे। यद्यपि सम्मान के पात्र आप सभी लोग हैं, लेकिन उन 5 को इस बारे में कि जिससे हम आने वाले समय में एक अपने बूथ के लिए प्रतिस्पर्धा फिर से प्रारंभ कर सके। याद करिए चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फोकस किया था कि बूथ के स्तर पर जो भी पदाधिकारी हमारा है, चाहे वह किसी भी प्रदेश स्तर का है, देश स्तर का है, क्षेत्र स्तर का है, जिला स्तर का है, मंडल स्तर का है या फिर किसी भी सेक्टर स्तर का है, वे सभी के सभी लोग कम से कम 3 या 4 बार अपने बूथ में व्यापक जनसंपर्क करें। और मुझे लगता है कि इस बार मुझे गोरखपुर संसदीय सीट पर कहीं भी यह शिकायत नहीं आई कि हमारे यहाँ लोग जनसंपर्क करने के लिए नहीं आए। कोई ना कोई कार्यकर्ता अवश्य किसी न किसी मतदाता के पास किसी न किसी बहाने चला गया था। एक बड़ी बात होती है, प्रत्याशी हर जगह नहीं जा सकता, अन्य बड़े पदाधिकारी हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन अगर बूथ को केंद्र बना करके हम कार्य करना प्रारंभ कर दें तो मुझे लगता है कि यही तो मनसा थी
और उस मनसा के अनुरूप परिणाम यहाँ पर उस रूप में देखने को मिले हैं। आप लोगों ने जो परिणाम दिए उसी परिणाम के फलस्वरूप मैंने भी इस बात को देखा। कल हम लोग काशी में थे, आपने देखा होगा काशी के कार्यकर्ताओं का सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। आज मैं गोरखपुर में आप सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए इसीलिए आप विशेष रूप से आया हूं कि मैं एक बार आपके साथ चुनाव के बाद, चुनाव के दिन मैं यहां नहीं था, मैं लखनऊ में था काउंटिंग के दिन, और मतगणना के दिन मैं वहीं से ही सारे रिजल्ट देख रहा था। लेकिन गोरखपुर की जब बढ़त पहले ही राउंड में जो बढ़ती गई तो अंतिम राउंड तक 3 लाख से भी वोटों के साथ गोरखपुर ने प्रचंड बहुमत के साथ एक बार अपने सम्मान को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया है। और पुनर्स्थापना के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ही आज एक बार पुनः मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि जिन कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है उन कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले समय में एक प्रतिस्पर्धा इस बात की कि आने वाले चुनाव में हमारे बूथ में भी हम लोग सबसे अधिक मतदान कराए और जो मतदान हो उसमें सबसे अधिक प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। यह एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अवश्य होनी चाहिए। यह जीवन में बिना प्रतिस्पर्धा के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, और इस प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से मैं एक बार पुनः आपके बीच में आया हूं। विधानसभा स्तर पर हमारे कार्यक्रम लगेंगे, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लगेंगे। गोरखपुर संसदीय सीट के सभी कार्यकर्ताओं का मेरा आह्वान होगा, यहां पर आने वाले समय में बरसात आएगी, बरसात के पहले प्रदेश सरकार के स्तर पर भी कार्यक्रम होगा, भारत सरकार के स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे, खासतौर पर स्वच्छता का एक अभियान। स्वच्छता का अभियान इस बात को लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष चल रहा है, और गांधी जी स्वच्छता और स्वदेशी के प्रति बड़े आग्रही थे। स्वच्छता का एक कार्यक्रम इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों से यहां के मासूम को बचाएगा, और विगत 2 वर्ष के अंदर जो कार्य गोरखपुर के अंदर हुए हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो अभियान इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ चला है, यह जीत हम लोगों को जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने, उनके विकास के अभियान को राष्ट्रवाद के अभियान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है, साथ साथ इस जीत को हम इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई के रूप में आगे लेकर के चले कि अब इंसेफ्लाइटिस को हम हमेशा के लिए इस जड़ मूल से समाप्त करेंगे, और इससे स्वच्छता के अभियान को गांव गांव में, वार्ड वार्ड में एक एक अभियान चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम की शुरुआत बहुत जल्दी हम इस कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाएंगे, मैं चाहूंगा कि हमारे बूथ स्तर की टीम अपने अपने बूथ में स्वच्छता के इस कार्यक्रम को लेकर के अगर आगे बढ़ सके, इस कार्यक्रम की शुरुआत वहीं से हमें आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा इस बार ज्यादातर लोगों ने इस बात के साथ आए कि साहब हमारे घर में शौचालय बना है, ये मोदी जी की देन है, इसलिए मैं मोदी जी को कमल के निशान पर वोट दूंगा या वोट दूंगी, या एक भाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला। गरीब को इस बात को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मुझे भी आजादी के बाद मुझे मकान पाने का अधिकारी था, मुझे मकान मिला है, मोदी जी ने दिया है, इसलिए मोदी जी के लिए मैं वोट देने जा रहा हूं। ये जो भाव था, विद्युत कनेक्शन मिला, रसोई गैस का कनेक्शन मिला, या फिर स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का सालाना कार्ड मिलना, ये अपने आप में आजादी के बाद पहले एक बात हुई। पहली बार किसानों को 6000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था हुई। ये बड़े कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों को अगर हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ा सके, जिनको मिला है अच्छी बात है, वे सुविधाजनक ढंग से सुविधा का लाभ लें, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको भी इन योजनाओं से लाभान्वित करने की दिशा में जो प्रयास हमारे स्तर पर होना चाहिए, उस प्रयास के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। और बूथ स्तर पर अगर हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेकर के तैयार हो जाए तो मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ी जीत होगी। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः मैं गोरखपुर के सभी मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी पूरे चुनाव में। और मैंने देखा गोरखपुर का एक एक मतदाता जैसे मेरे चुनाव में झोंक करके लगता था, स्वतः अपने भाव के साथ लगता था, इस चुनाव में भी उन्होंने उस भाव के साथ लग करके चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने में अपना योगदान किया। और मुझे लगता है मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान अपने पक्ष में कराने के लिए आप सभी कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका थी। जो कार्य मैंने किया,
जहां पर जो व्यवस्था दे दी, मैंने देखा कि एक एक कार्यकर्ता अपने स्तर पर उस कार्यक्रम को 100% परिणाम लाने के लिए तत्पर दिखाई दिया। एक भी बूथ पर पूरे चुनाव के दिन मैं स्वयं गोरखपुर में था, लेकिन कहीं से भी ये शिकायत नहीं आई कि यहाँ एजेंट नहीं है, फलानी जगह लोगों की ये कमी है, फलानी जगह ये कमी है। ये कोई भी कमी ना होने दी, कार्य को आपने किया है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। और आज जो एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, ये सिलसिला आगे चलते रहना चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है, जोरदार ताली उन कार्यकर्ताओं के लिए उस समय बजाएगा जब वे मंच पर आएंगे, और इतनी जोर तक देर तक चाली उनके लिए बजनी चाहिए कि आने वाले समय में आपके बूथ में आपको भी इसी रूप में हम लोग सम्मानित कर सके, इस भाव के साथ ये दिखाई देना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, और विकास का अभियान, राष्ट्रवाद का अभियान अनवरत हम सबका आगे बढ़ेगा, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति में अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय हिंद।